दोस्तों आप सबको पता ही होगा इन दिनों बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर काफी विवाद चल रहा है। इसी बीच कोलकाता में होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान ने शिरकत की। इस फिल्म फेस्टिवल में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ साथ तमाम बड़े सितारे वहाँ मौजूद थे। शाहरुख खान ने सोशल मीडिया के बारे में अपनी राय रखी। इसके अलावा अपनी आने वाली पठान फिल्म का प्रमोशन भी किया। शाहरुख खान ने स्पीच में क्या कहा, आइए देखते हैं। So, I want to mention, you know, we all work in films. We never get the opportunity to thank the stars behind the stars. So, first of all, thank you, Kumar Shanuji, for giving me the voice people think is mine. God bless you. And thank you, Arijit, for making me sound so good. And all the people who work behind the scenes to make all of us look good, except Mr. Amitabh Bachchan. He looks good behind, on the side, in front of the camera, on top of the camera, everywhere. शाहरुख खान की इस स्पीच पर लाखों की तादाद में भरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शाहरुख खान ने आखिर अपने फैंस से मुखातिब होते हुए एक डायलॉग भी बोला जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। एक डायलॉग बोल देता हूँ कोई मैं आपके सामने। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है और कुछ दिनों से हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है, हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं।